जरा ये बंद बंद करो, दो मिनट फैन बंद करो, फैन 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 ऊपर ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बस आगे पेपर देखा, हाँ माशाल्लाह। दिस वॉज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स दैट आई हैव सीन इन माई करियर, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स। नॉट बिकॉज की टॉपिक्स जो पूछे वो पढ़े नहीं थे, बट बिकॉज ऑप्शंस जो दिए उसमें आपका कुछ नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता। मैं आपको एग्जाम को अप्रोच करने का जो तरीका था अभी तक, दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट कि यूपीएससी अपना पैटर्न बदल रहा है। ये 2013 में हुआ था, 2016 में हुआ, अब 2023 में हुआ, एंड दिस इज़ द ईयर जब यूपीएससी ने अब पैटर्न बदल दिया है। एंड यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजीज, इवन वी हैव टू चेंज आवर स्ट्रैटेजीज दैट हाउ वी वर टीचिंग। बिकॉज मैंने अपने सारे जिन्होंने भी मेरे पास ओरिएंटेशन ली है, मैं हमेशा बोलता था कि ज्योग्राफी में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और ये सच भी था। अब 2013 से क्वेश्चंस देखो 2022 तक, ज्योग्राफी में 5-6 सवाल आते हैं। आज आपका ज्योग्राफी एनवायरनमेंट मिलाकर एक तिहाई पेपर सिर्फ ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से था, एक तिहाई पेपर। अकेला ज्योग्राफी वॉज मोर देन हिस्ट्री एंड पॉलिटी कंबाइंड, ठीक है। इकोनॉमी वॉज 20-25% ऑफ योर पेपर, दे गॉट इट डाउन टू 15%। पॉलिटी वॉज 18%, दे गॉट इट डाउन टू 14%। हिस्ट्री वॉज 6%, दे गॉट इट अप टू 22%। तो ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। शॉर्ट में अभी स्ट्रैटेजी ये है कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। शॉर्ट आपका यूपीएससी ऐसे बोलते हैं सब इज उल्टा पुल्टा पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। अब शॉर्ट में देखिए, मैंने एनालाइज किया कल से, हम पेपर देख रहे थे जनरल स्टडीज़ वाला। सी सैट तो रहनी दो, उसमें क्या ही बोल सकते हैं, सी सैट तो बहुत डिफिकल्ट था भाई। देखिए इसमें अभी सी सैट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि पेपर लंबा होता है। इस बार का जीएस का पेपर भी लंबा था, सी सैट तो था ही, और कट ऑफ बहुत नीचे आने वाला है इस साल, बहुत नीचे आने वाला है। एज द एक्सपर्ट्स हैव बीन सेइंग, आपका पिछले साल का कट ऑफ वॉज अराउंड 88 पॉइंट्स, दैट विल बी डाउन टू 82 पॉइंट्स, क्योंकि इस साल आपका वैकेंसीज भी 1100 के करीब है और पेपर भी काफ़ी तगड़ा था। अब देखिए पेपर में आमतौर पर 100 क्वेश्चंस में से हमें पता है कि अगर आप सीरियस प्रिपरेशन करते हो 35-40 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, विद अ वेरी गुड प्रिपरेशन 35-40 क्वेश्चन एक सीरियस एस्पिरेंट कर लेता है। 2 ईयर की अच्छी खासी स्ट्रेटेजी ग्रिलिंग के बाद वो 40 क्वेश्चन कर लेगा। फिर क्या होता था कि आप 40 क्वेश्चन अगर अच्छे से कर पा रहे हो और आपको पता है कि 40 क्वेश्चन मेरे ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि आपके 40 के 40 बराबर होंगे। वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में लगता है कि आपने ठीक किया है, अब कि बाद में की चेक करते हैं फिर पता चलता है नहीं ये वाला एंगल मुझसे मिस हो गया था, तो बाद में पता चलता है 40 में से मेरे तो 25 या 28 ही ठीक है। तो अगर मुझे कट ऑफ से ऊपर जाना है, मुझे 40 पे नहीं रुकना है, मुझे 80 क्वेश्चंस तक करने पड़ते थे, 85 तक करने पड़ते थे या 88 तक, 85 जैसे मैंने जब भी एग्जाम दिया 85-88 वॉज वॉट आई यूज टू अटेम्प्ट। इसका मतलब नहीं कि 88 क्वेश्चन आ रहे हैं, आता तो उतना ही है, 35-40 ही आता है, बाकी आप क्या इस्तेमाल करते थे, एलिमिनेशन, है ना। अब इस बारी एलिमिनेशन खत्म, एलिमिनेशन अब यूपीएससी नहीं करेगा, एंड यू शुड एक्सपेक्ट केएस में भी एलिमिनेशन धीरे धीरे कम होगा, बिकॉज एलिमिनेशन से आप अच्छा स्कोर कर पाते थे। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते थे वो क्वेश्चंस में एलिमिनेशन से आप 80 तक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते। अब एलिमिनेशन तो पूरा ही एलिमिनेट हो गया, लगभग मैंने हिसाब लगाया 100 में से 47 क्वेश्चंस में वो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर ऑल पेयर, यानी कोई एलिमिनेशन नहीं लगेगा उसमें 47 क्वेश्चंस में। और बाकी के क्वेश्चंस तो बहुत सारे क्वेश्चंस 28 के करीब के क्वेश्चंस हैं, जहां पर आपके 4 ऑप्शंस हैं जिसमें एक ठीक है, जिसमें कोई 1, 2 एंड 1, 2, 3, 1, 2, 4 करके ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज जब वो 1, 2, 3, 1, 2 करते थे हम, तो जैसे एग्रीकल्चर में मैंने दिखाया आपको, अगर आपको एक एलिमिनेट हो गया तो उससे 2-3 ऑप्शन निकल जाते थे, लेकिन अब वो मामला बहुत मुश्किल है। जब तक आपको सारी की सारी स्टेटमेंट्स नहीं पता है तब तक आप
वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। नॉट ओनली दैट, 10 साल के बाद, ऑलमोस्ट अ डेकेड आफ्टर, यूपीएससी हैज़ नाउ स्टार्टेड अगेन एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस। यह लगभग 10 साल पहले पूछा जाता था, 16 के बाद तो पूरा बंद ही हो गया था, अब 23 में फिर से शुरू हुआ। बहुत सारे स्टेटमेंट जो आपने क्वेश्चन देखोगे, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, फिर लिखा था नीचे वेदर स्टेटमेंट 2 करेक्टली डिफाइन स्टेटमेंट 1 और नॉट, उसको हम एसर्शन रीजन कहते हैं। ये लगभग 10 साल से बहुत कम हो गया थे क्वेश्चन, अब फिर से आ गया। एंड दिस इज़ अ डिफाइनिंग मोमेंट इन यूपीएससी प्रिपरेशन, जहाँ पर यू नाउ नो कि जो भी ट्रेंड आज तक चल रहा था, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क नाउ। अब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें हमने सोची थी और क्या क्या नहीं हुआ। 2023 ये साल याद रखना, आपका यूपीएससी यहाँ से अब अलग डगर पे निकला है। सबसे पहले सबसे बड़ा शॉकर वॉज ज्योग्राफी, सबसे बड़ा शॉकर। ज्योग्राफी के लगभग 22 क्वेश्चंस हैं, 22 क्वेश्चंस। आपका हिस्ट्री में आपका आता था आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न और सारा करंट वर्ल्ड उठाकर, वो सारा मिलकर 25% होता था या 24% होता था। अब हिस्ट्री वहाँ से सारा घटाकर उन्हें 13-14 किया, उस 13 क्वेश्चंस किए, और ज्योग्राफी 4-5 से उठाकर 22 क्वेश्चंस है। और ज्योग्राफी आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा अनलेस आपको मैप अच्छे से नहीं पता होगा। मैपिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, ज़बानी याद होना चाहिए। मैपिंग से आप कुछ एलिमिनेशन कर सकते थे, ऑप्शंस में आप समझ सकते थे किसको एलिमिनेट करना है किसको नहीं। मैंने क्वेश्चंस देखे जी सी लियोंग से मैंने एक दो क्वेश्चन देखे। मैंने एनसीईआरटी से, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी तो है ही काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो मैपिंग से तो सबसे ज़्यादा। और ये मैपिंग वाले क्वेश्चन आर ऑल्सो, यू कुड हैव ऑल्सो सॉल्व्ड नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल्सो। इसमें एक और अब डिविजन आ गया है IR का। IR आपका मीन्स का टॉपिक है, पर प्री में IR में 4 क्वेश्चंस थे। अगर आप रिलेशन वाले देखो, और IR वाले क्वेश्चंस भी आप सॉल्व नहीं कर पाते जब तक आपने मैप अच्छे से नहीं पढ़ा होता। और उसमें कुछ IR वाले क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आप करंट अफेयर से निकाल सकते थे सीधा, जैसे डोंबास रीजन काफ़ी न्यूज़ में था, म्यांमार न्यूज़ में था, इथियोपिया न्यूज़ में था, सूडान न्यूज़ में था, तो वहाँ से आप वो, जैसे एक क्वेश्चन आया था सिविल वॉर इनमें से किस जगह पर था, तो वो सोमालिया वोमालिया, अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे थे जो फॉलो कर रहे थे। कुछ लोग जो अभी नए नए टिंगू जिन्होंने एडमिशन किया परसों, उनको भी तो एग्ज़ाम देने जाना था ना, कल किसी ने वोटिंग की थी उस पर, आपने दिया पेपर? आपको बोल रहा हूँ, नहीं दिया आपने तो यस लिखा था उस पर। हाँ, किसी और ने लिखा होगा, मगर व्हाट्सएप तो आप ही का था। 12 बच्चों ने यहाँ एग्जाम दिया ना, है ना, किस किस ने दिया? खामखा पे छुट्टी करवा ली अपने। चलो कोई नहीं, चलता रहता है। IR में अब IR एक कंपोनेंट बन गया है, पिछले साल भी IR पे क्वेश्चंस थे, इस साल भी आ रहा है ना। 2 साल इट इज़ इनफ फॉर यू कि IR को प्रिपेयर करना पड़ेगा फ्रॉम अ प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो। एंड IR के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका मैप इंपॉर्टेंट है, प्लस इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपका करंट। वेरी गुड, करंट भी मेजरली हिंदू से 8-10 सवाल आए हैं। ये हो गया IR। उसके बाद एक और शॉकर, लगभग ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेपर वो वन पेयर वाले थे, एलिमिनेशन जिसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता, ऑलमोस्ट 50% एलिमिनेशन कैन नॉट बी यूज। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एलिमिनेशन जब इस्तेमाल नहीं होगा, ये लास्ट ईयर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 2022 में, उसमें 8-10 सवाल थे जिसमें ये एलिमिनेशन इस्तेमाल नहीं हो सकता था, और KS ने इमीजिएटली उसी साल के KS में उन्होंने वो कॉपी किया था। तो लगभग जब भी प्रिलिम्स हुआ था IAS का, उसके बाद 1.5 महीने के बाद KS का प्रिलिम्स हुआ, इमीडिएटली उन्होंने वो कॉपी किया। और यू कैन एक्सपेक्ट इस साल के केस में भी, यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड पोर्शन ऑफ क्वेश्चंस जहां पर यू कुड नॉट यूज एलिमिनेशन, वो चीज़ गया। तो वट एवर यू आर स्टडिंग, अनलेस यू डोंट नो ऑल दी स्टेटमेंट्स बाय हार्ट, यू नॉट बी एबल टू एलिमिनेट एनी ऑप्शन, बहुत डिफिकल्ट है वो एलिमिनेट करना। तीसरा इसमें प्रॉब्लम, 50% का पेपर। अच्छा, एक और चीज़, हाँ, आपके प्योर करंट अफेयर जिसके लिए आप इतना परेशानी उठाते हो,
9 क्वेश्चन थे, ओनली 9। स्टैटिक पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तगड़ी स्टैटिक पे नजर होनी चाहिए। प्योरली आपके जो करंट से, जैसे वन वर्ड टाइप के कोई करंट होते हैं, वैसे आपके सिर्फ 9 क्वेश्चन थे। और बहुत सारे क्वेश्चन आमतौर पर हम ये बोलते हैं कि स्टैटिक का क्वेश्चन भी करंट से उठाया जाता है। मान के चलिए हम ऐसे बताते थे, अगर बाल गंगाधर तिलक की 100th डेथ एनिवर्सरी है तो बाल गंगाधर तिलक का ये करंट का टॉपिक हो गया। अब इसमें से स्टैटिक का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक का सिग्निफिकेंस क्या था किसी मूवमेंट में, तो करंट से उठाया स्टैटिक। लेकिन इस वाले पेपर में स्टैटिक के ऐसे क्वेश्चंस थे जो जिसका करंट में नामो निशान भी नहीं था। जैसे इकोनॉमी में देयर इज अ क्वेश्चन ऑन बीटा, मैंने इकोनॉमी बहुत पढ़ाया पर ये वाला क्वेश्चन आई डिड नॉट नो अबाउट इट इनिशियली, बिकॉज इकोनॉमी के लिए जितनी भी किताबें हैं किसी भी बुक में ये क्वेश्चन कवर नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे ने कभी इस पर बात नहीं की, द हिंदू में कभी इस पर कोई आर्टिकल नहीं आया, ये क्वेश्चन कहीं से नहीं निकलता आपको। इट वॉज अ प्योर स्किपेबल क्वेश्चन जिसको पूरा स्किप करना था आपको, यू कुड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। हिस्ट्री में देर वर 5-4 क्वेश्चन जो पूरा यू कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। जैसे देर वॉज अ क्वेश्चन, जैसे हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री से, स्वदेशी मूवमेंट तो पढ़ा आपने सबने, जिसने पढ़ा होगा स्वदेशी मूवमेंट सुना तो है ना, स्वदेशी मूवमेंट सब पता है आपको, का किसने शुरू किया, क्या क्यों शुरू हुआ, इम्पैक्ट क्या रहा, किस किस सेक्टर पे क्या क्या उसका इम्पैक्ट होगा। क्वेश्चन था कि हैंडलूम डे किस दिन पे होता है और क्या उसी दिन पे स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। दिस इज अ प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन, ये दिन आपको याद रखना है कि किस दिन पे लॉन्च हुआ था। तो दिस ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, लाइक यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप कितना ही याद रख सकते हो, ये प्योर स्किपेबल क्वेश्चन है। स्वदेशी इतना पढ़ने के बाद भी आप स्वदेशी का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। एंड दैट इज अ क्वेश्चन जहाँ पर हम पहले कहा करते थे, अनदर चेंज दैट इज हैपनिंग नाउ, जहाँ हम पहले कहा करते थे दैट प्रिलिम्स में रेंज पूछी जाती है और मेंस में डेप्थ पूछी जाती है, वो गलत हो गया। प्रिलिम्स में रेंज भी और डेप्थ भी अब दोनों पूछे जाएंगे आपको। रेंज तो है, आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल, जहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स है और 3 स्टेटमेंट्स 3 अलग टॉपिक्स के हैं, दैट इज रेंज। उसके बाद वो स्टेटमेंट आपको एलिमिनेट नहीं कर सकते जब तक डेप्थ में नहीं पढ़ी होगी आपने, तो काफी डेप्थ में सवाल पूछे जा रहे हैं। क्लियर कट बिग शॉकर, लाइक सबकी प्रेडिक्शन खत्म हो गई, इसमें सारा ट्रेंड जो चल रहा था वो आज रुक गया। तो ये एक और इसमें मसला था, क्या चेंज हुआ है इस बार। देर वॉज वन मोर थिंग, एसर्शन रीजन जो मैंने आपको बताया। एसर्शन रीजन क्या होता है, कल आपने देखा होगा, आपको 2 स्टेटमेंट्स देते हैं तो आपको पूछा जाएगा क्या पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या क्या पहली स्टेटमेंट का रीज़न दूसरी स्टेटमेंट है या पहली स्टेट का रीज़न दूसरी स्टेटमेंट नहीं है। ऐसे 4 ऑप्शंस आते हैं, इसको एसर्शन रीज़न कहते हैं, जो अभी अब नहीं आता था, केस वेस में आ जाता था, पर UPSC ने फिर से शुरू किया इसको। आई विल गिव यू द चार्ट ऑफ हाउ दीज क्वेश्चंस हैव कम, and this is a classic case, you know, you've got a conclusive evidence that like polity ke liye Lakshmikant is not working anymore. Lakshmikant ne bahut saal help kiya hai aspirants ko, you should give credit to Lakshmikant, jaise hota na wo kabhi aise golden globe awards dena hai kisi ko, to usne lifetime achievement award of Lakshmikant ko de do, par Lakshmikant ab retire ho chuki hai, it does not work anymore. Lakshmikant is good, like you need to have a knowledge of Lakshmikant, but you cannot solve questions. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ऐसे एक सिंपल क्वेश्चन था, बट यू नॉट सॉल्व इट, वो लक्ष्मीकांत में नहीं है कहीं। बहुत सारे क्वेश्चन, लक्ष्मीकांत तो धीरे धीरे अब थोड़ा कम हो रहा है, तो अब नहीं चलेगा उससे भी थोड़ा। ऐसे हमारे टीचर थे, वो हमेशा लाइक ही वुड नेवर रिकमेंड लक्ष्मीकांत, बट स्टूडेंट के लिए वो आसान हो जाती है, तो स्टूडेंट तो पढ़ेगा, वो टॉपर्स भी रिकमेंड करते हैं, बट फ्रॉम अ टीचर्स परस्पेक्टिव we know that Lakshmikant is not going to help you anymore. जैसे डीडी बासु एक थोड़ी टेक्निकल किताब है काफ़ी, लेकिन थोड़ा लेंथी भी है, तो बच्चे को मुश्किल हो जाता है वो पढ़ना, बट दैट इज़ वेयर यूल फाइंड सम क्वेश्चन। और दिस इज समथिंग दैट इज चेंजिंग। आई विल गिव यू द ट्रेंड कि किस में से कितने क्वेश्चन है, थोड़ा आपको परस्पेक्टिव समझ आएगा कि इम्पोर्टेंस किसको देनी है। कम टू NCERT's, मैं एक एक करके जब सब्जेक्ट उठाऊंगा, आप ये कहीं पर बना लो, UPSC prelims
We have at the top geography. मैंने कभी नहीं सोचा था मैं जिंदगी में ये बोलूंगा. We have at the top geography with 22 questions, followed by economy with 17 questions, including some schemes. We have polity, 15 questions, 15 questions. We have environment, 13 questions. We have history, alag se karenge isko. We have art and culture, 9 question. We have history, 4 question. We have science and tech, 8 question. We have pure current, 9 question. And we have IR, 4 question. असी कंटिन्यू क्या रहा है मैं वो बता दूं. पॉलिटी लगभग वही उसी रेंज में है, तो इसको आप एस डाल देना. 17-18 सवाल हमेशा पॉलिटी में होते हैं, वही 15 के करीब है. इट इज ऑलमोस्ट द सेम. यहां पर साइंस एंड टेक थोड़ा सा सेम है. साइंस एंड टेक लगभग 10 के करीब क्वेश्चन होते हैं. इस साल आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स, बिकॉज अभी इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज भी इंडक्ट हो गया इसके साथ, तो उनका भी प्रीलिम्स साथ में होता है. अब क्योंकि रेलवे में फिजिक्स हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स. बट एक क्वेश्चन था जो मैं तो पूरा एक्सपेक्ट कर रहा था, जो आया भी है, वो कार कॉलिजन वाला, बिकॉज दैट वॉज वॉट यू वुड नीड इन रेलवेज. बट नॉट मैनी क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स. दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम क्लासिक बायोलॉजी के क्वेश्चन. उसके लिए आपको बेसिक बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी का. आंसरिंग योर क्वेश्चन वॉज आस्किंग यू अबाउट एनसीईआरटीज. एनसीईआरटीज आर नॉट गुड फॉर एवरी वन, फॉर एवरी सब्जेक्ट. एनसीईआरटीज आर सिलेक्टिवली गुड फॉर सम सब्जेक्ट्स. वेरी गुड फॉर ज्योग्राफी, वेरी गुड फॉर बायोलॉजी. क्लास 12 की बायोलॉजी यू कैन नॉट स्किप दैट. क्लास 12 बायो, वहाँ से आपको एनसीईआरटी से स्पेसिफिक क्वेश्चन आते. इकोनॉमी ऑलमोस्ट आपका चेंज हो गया है. इकोनॉमी चेंज हो गया है. इकोनॉमी की वेटेज ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा होती थी एग्रीकल्चर लेकर. अभी एग्रीकल्चर पढ़ाया, आई गिव यू अ लिस्ट कि हर साल एग्रीकल्चर में कितने क्वेश्चन आते हैं. 5-6 क्वेश्चन हर साल आते थे. इस साल दे हैव डिसाइडेड टू नॉट आस्क एनी क्वेश्चन. देयर वाज वन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन थे बेसिकली. एक था कि इंडिया का एग्रीकल्चर और चाइना का एग्रीकल्चर, उसका कंपैरिजन, वो तो किसी किताब में नहीं है. वो तो आपको बेसिक, आपको खुद की अंडरस्टैंडिंग से निकालना पड़ेगा. वो सेकेंड वॉज क्वेश्चन स्मॉल फार्मर एंड बिग लैंड, वो तो लॉजिकल क्वेश्चन था, नॉट अ प्रॉब्लम. एमएसपी का क्वेश्चन मैंने, उसमें 3 स्टेटमेंट थी, 2 मैंने पढ़ाई हुई थी क्लास में, तीसरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ी थी. बिकॉज उसमें क्या था, कोई ट्राइबल कम्युनिटी इस पता नाइगर सीड को कुकिंग में इस्तेमाल करती है नहीं करती है, वो किसको पता है भाई. देयर वाज अनदर क्वेश्चन कि ओरांगटन एक है क्या, वो स्टिक से इंसेक्ट्स निकालता है. अब वो आपको ऑप्शन दिया है कि इनमें से कौन सी स्पीशीज है जो स्टिक से इंसेक्ट निकालती है. देयर वाज अनदर क्वेश्चन ऑन जैसे वो क्या है उसका, वैगल डांस. हनी बीज एक डांस करती है जिससे उनको पता चलता है कि नेक्टर कहाँ पे है. अब उन्होंने बोला कि वैगल डांस इनमें से कौन करता है. अब आप निकाल के देखो, सारे करंट अफेयर के कंसोलिडेशन कहीं पर नहीं मिलेगा आपको. आप निकाल के देखो, सारा का सारा हिंदू आपको नहीं मिलेगा. इट वॉज
प्योर नेशनल ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन जो जो जिसके डॉक्यूमेंट्रीज बनते हैं। तो हनी भी क्या करती है इसमें, जैसे हनी बीज का एक ग्रुप होता है, उसमें से कोई हनी बी ने कोई नेक्टर ढूंढ लिया कहीं पे, तो वो जब अपने बहन भाइयों के पास वापस आती है देन इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग लाइक दिस, और उनको बताती है कि किस डायरेक्शन में जाना है, और उनको पता चल जाती है हैविंग एन एंगल विद द सन, उनको पता चल जाती है कहाँ पर नेक्टर है, तो वो फिर वहाँ की तरफ उड़ना शुरू करते हैं। वो बेसिक क्वेश्चन था, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं था, पर थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचा उन्होंने। तो ये चेंज हुआ है, ज्योग्राफी बड़ी चेंज आई है, EVS बड़ी चेंज आई है, आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री बड़ी चेंज आई है। ट्रेंड ये था कि UPSC 2014 के बाद मिडीवल से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, और क्रिटिक्स कहते थे बिकॉज मिडीवल हिस्ट्री इज अ मुस्लिम हिस्ट्री, बातें नहीं, इसीलिए इट्स बीइंग साइडलाइन्ड। बट वी हैव बीन सीइंग दैट 2019 के बाद से मिडीवल इंडिया इज सीइंग अ रिवाइवल, और मिडीवल खास अर्ली मिडीवल पीरियड से क्वेश्चन आना शुरू हो गया है, ठीक है। सो यू कैन नॉट स्किप एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, तीनों करना पड़ेगा। NCERT से मैं अभी फैसर से बात कर रहा था, उन्होंने NCERT के लगभग 4 क्वेश्चन दिखाए जो NCERT में थे, ठीक है, जो आपको NCERT से बेसिकली मिल जाते, पर कोई भी सेक्शन आप छोड़ नहीं सकते। लाइक देर वॉज दिस IPS सफियान नाम है उसका, उसने मिडीवल पढ़ा भी नहीं है और उसका वो IPS है, पर इस वक्त नहीं चलेगा, उस वक्त चल जाता था, ठीक है, उस वक्त मिडीवल नहीं आता था ज़्यादा, आज आने लगा है। तो एंशियंट भी है, मिडीवल भी, आर्ट एंड कल्चर तो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट। तो दिस हैज सीन अ बिग चेंज, IR इज अ बिग चेंज। नाउ सी, आई विल गो वन बाय वन, आई विल टॉक अबाउट सम सब्जेक्ट्स ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। मैं इतना क्लियरली बता दूं, आप NCERT 50 बार भी क्यों ना पढ़ लो, पेपर सॉल्व नहीं होगा आपका, मगर NCERT पढ़ने के बगैर भी पेपर सॉल्व नहीं होने वाला है। आपको कुछ और समझने के लिए NCERT समझना ज़रूरी है। मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि इकोनॉमी में फॉर एग्जांपल ये 10 चीज़ें हैं, बट फॉर अ बेसिक फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट यू नीड टू स्टडी NCERTs। NCERT आपका बिठाएगा, आपका फाउंडेशन, आपकी वो क्या बोलते हैं वो, हाँ, बेस बनाएगा। तो NCERT से सवाल नहीं आते, अगर 100 में से देखा जाए 8-9 क्वेश्चन NCERT से मिल जाएंगे आपको, मगर NCERT ज़रूरी है, ठीक है। आपको एक लैंग्वेज समझना है, लिखने का तरीका समझना है, और एक इतनी बड़ी चीज़ इतने छोटे पैरा में कैसे पहुंचानी है वो सीखना है, और NCERT से एक जहन बनता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव जहन बनता है। जैसे इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, मैंने जो इकोनॉमी पढ़ाया पिछली बारी या अभी जो चल भी रहा है, ऑलमोस्ट 7-8 क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस किए हैं क्लास में। जैसे देयर वाज अ क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ NCERT की इंपॉर्टेंस, देयर इज अ क्वेश्चन ऑन स्टेरिलाइजेशन, ये क्लासिक NCERT का टॉपिक है, स्टेरिलाइजेशन। हालांकि NCERT नहीं भी पढ़ोगे स्टेरिलाइजेशन, फिर भी आपको पढ़ना ही है, बिकॉज आए दिन अखबारों में आता रहता है स्टेरिलाइजेशन, RBI इज गोइंग फॉर स्टेरिलाइजेशन, अमेरिका में क्वांटिटेटिव टैपरिंग हो रही है, दैट इज स्टेरिलाइजेशन। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है स्टेरिलाइजेशन के टाइम, मनी सप्लाई कम करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है। तो ये तरीका है, आपको पता होना चाहिए NCERT का, इसमें ये टॉपिक था। देर वॉज अनदर टॉपिक फ्रॉम NCERT, दैट इज फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट का एक क्वेश्चन था, क्लासिक बॉन्ड मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट का क्वेश्चन था, इट वॉज अगेन अ पार्ट ऑफ NCERT। ये दो निकलते आपको NCERT से, बाकी का कोई क्वेश्चन NCERT से नहीं निकलता आपको। जैसे देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन इंटरेस्ट रेट हाइक, कि पोस्ट पेंडेमिक कोरोना के बाद दुनिया भर में सेंट्रल बैंक से इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया, उससे क्या होता है वो छोड़ो आप, बढ़ाना शुरू किया, महंगाई हो रही थी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा। अब ये टॉपिक आपका एज अ स्टेटमेंट आया था, इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है पूरी दुनिया में, अब ये कैसे पता चलेगा, NCERT डज नॉट मेंशन, ये तो पोस्ट पेंडेमिक की बात है, NCERT तो पुरानी है आपकी, करंट अफेयर कंसोलिडेशन डज मेंशन इट, बट ओनली आफ्टर इकोनॉमिक सर्वे हैड मेंशन इट। तो इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें इन्फ्लेशन के चैप्टर में इंट्रोडक्टरी पेज पर उन्होंने लिखा था कि दुनिया भर में आपके जो इंटरेस्ट रेट्स है वो हाइक हो रहे हैं। तो दैट वॉज अ क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम अ चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक सर्वे,
इज अनदर क्वेश्चन ऑन कार्बन मार्केट्स, ये मैंने कवर किया था जब मैं बॉन्ड्स पढ़ा रहा था आपको। अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स बनाए जाते हैं जिससे आज हम एनवायरमेंटल पर्पसेस के लिए इन्वेस्टमेंट पैसा इकट्ठा करते हैं, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड्स इकट्ठा करते हैं। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, इसको आप एनवायरमेंट के साथ भी लिंक कर सकते हो। देर वॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, दिस इज अगेन दैट आई हैड कवर्ड इन द क्लास, इनविट्स बोलते हैं इसको, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड्स। ये आपको किसी भी कंसोलिडेशन में मिल जाता, कोई डिफिकल्ट नहीं था ये। देर वॉज अ क्वेश्चन ऑन इनटैंजिबल एसेट्स, ये बेसिक लॉजिकल अगर आप रीजनिंग लगाते तो आपको आ जाता है इनटैंजिबल एसेट, ये आसान क्वेश्चन था। देर इज अ क्वेश्चन ऑन 15th फाइनेंस कमीशन, जो वर्बेटम मैंने क्लास में पढ़ाया था। 15th फाइनेंस कमीशन, जब मैंने आपको कहा वर्टिकल डिवोल्यूशन हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन कैसे होता है, दैट वॉज डायरेक्टली फ्रॉम दैट। देर वॉज अ क्वेश्चन ऑन बीटा, जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा, ये कहीं पर मैंशन नहीं था, नॉट इन वन सिंगल बुक हैड अ टॉपिक ऑन बीटा। अब बीटा पे क्वेश्चन क्यों आया, कहीं पर अगर मैंशन नहीं है, इट वॉज बिकॉज आपका स्टॉक मार्केट अडानी के बाद से यू नो इट वॉज हैविंग अ रोलर कोस्टर राइड। तो स्टॉक मार्केट अब स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट हो गया है, फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट, उसमें जो ये टेक्निकल टर्म्स है, बियर क्या होता है, बुल क्या होता है, ये बीटा वगैरह ये सब चीज़ें, डीमैट अकाउंट कैसे खोला जाता है, एक्सेट्रा। दिस इज योर इकोनॉमी, इकोनॉमी वॉज प्योरली थोड़ा आसान साइड पे था, डिफिकल्ट नहीं था ज़्यादा, बाकी के सब्जेक्ट्स वर रिलेटिवली डिफिकल्ट। यू हैड क्वेश्चन ऑन जैसे एनवायरमेंट, देखिए एनवायरमेंट पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे, जैसे कुछ क्वेश्चन थे आपके, नॉक्टर्नल कौन है इनमें से जो रात को जागते हैं, ये आसान है, रात नॉक्टर्नल कौन है ये तो पता चल सकता है, पर जो स्पीशीज दिए हैं ना, इसमें से कुछ स्पीशीज का नाम आप पहली बार सुन रहे होते हैं, उसके बाद ऑप्शन भी ऐसे दिए हैं कि किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकते, दैट इज वेर इट बिकम्स डिफिकल्ट। देयर इज अ क्वेश्चन ऑन मशरूम्स, इसमें आप सबको इंटरेस्ट होगा, मशरूम्स किस किस काम आते हैं, क्या मेडिसिन के काम आते हैं, उसके काम आते हैं, इसको पता है, देखो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज भी है और बायोल्यूमिनेसेंस भी है, चमकते भी है जुगनू की तरह। जैसे मैंने एक क्वेश्चन देखा, मुझे वो एवेटार वाला सीन याद आया, उसमें वो बड़े बड़े मशरूम जिसमें लाइट निकलती थी, तो वो चारों स्टेटमेंट करेक्ट थी आपकी, आपको पता नहीं कहाँ से आपको वो कहीं से भी फायदा मिल सकता है। तो दिस वॉज अ क्वेश्चन ऑन मशरूम्स, देर वॉज अ क्वेश्चन ऑन मर्सुपियल क्या होता है, देर इज अ क्वेश्चन ऑन टीक कहाँ से मिलता है, या वो डिसिडियस है नहीं है। ये टीक वाला क्वेश्चन स्पेसिफिकली सीधा आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, 12वीं क्लास की एनसीईआरटी में सीधा क्वेश्चन है, टीक पर भी क्वेश्चन है, महुआ पर भी क्वेश्चन है उधर। तो एनवायरमेंट के लिए इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, स्क्विरल्स पे क्वेश्चन था, कहीं से नहीं मिलता आपको। देर इज अ क्वेश्चन ऑन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, वो इजी है। क्वेश्चन ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, सर ने कवर किया था ये आपको, ग्रीन हाइड्रोजन पे क्वेश्चन था। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन का क्वेश्चन इज नॉट अ टॉपिक ऑफ करंट अफेयर, इट्स अ टॉपिक दैट वाज इन न्यूज इन 2019 का टॉपिक है ये। तो बेसिकली जो आपको नए नए टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं वो करंट के नहीं है ज्यादा, वो कंटेम्प्रेरी इशू है, कंटेम्प्रेरी हो गया पिछला 3-4 साल के इशूज। तो जब करंट की बात करते हैं, करंट होता है इस साल का, इस साल के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कंटेम्प्रेरी जो न्यूज में है पिछले 3-4 साल से, दैट इज व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट स्पेसिफिकली जीसी लियोंग का क्वेश्चन है, आखिरी 8 चैप्टर जो जीसी लियोंग के हैं, दैट इज डेडिकेटेड टू दैट ओनली, तो वहां से हो जाता। देयर इज हिस्ट्री, हिस्ट्री वॉज सम ऑफ द क्वेश्चंस वर प्रेडिक्टेबल, लाइक यूपीएससी का प्यार बुद्धिज्म जैनिज्म की तरफ बहुत है, वो कंटिन्यू हुआ। एक तो जैनिज्म का बहुत आसान सा सवाल था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपने जैनिज्म पढ़ा है आपको पता चलेगा, जैसे वो कभी किसी को मारते नहीं, इसीलिए क्वेश्चन था कि जैनिज्म में ये किस वाले रिलीजन में सोल्स जो है, सोल, ये सोल वो सिर्फ एनिमल्स या प्लांट्स में नहीं बल्कि पानी में, पत्थर में, वो कंसिडर करते हैं कि सब में सोल्स हैं। तो नीचे ऑप्शन था कि ये किस में है, तो ये बेसिक थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है जैनिज्म की। देन यू हैव क्वेश्चन ऑन स्टूपा, स्टूपा से क्वेश्चन आता रहता है, संगम पीरियड पे क्वेश्चन था कि इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कहाँ पर है, और ये पोर्ट वाला क्वेश्चन पिछले 2-3 साल से आ रहा है, यूपीएससी हैज समथिंग टू डू विद पोर्ट्स। तो एंशियंट हिस्ट्री में
पोर्ट पे यू शुड नो कि पोर्ट कहाँ पर किसका है। जैसे पोइम पर भी एक क्वेश्चन आया था, संगम पीरियड की एक पोइम थी, दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, यू कुड नॉट हैव सॉल्व इट। तो वो क्वेश्चन तो पूरा प्योर स्किपेबल था। अर्ली मिडिवल इंडिया से क्वेश्चन था, विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन था, तुंगभद्रा वगैरह सब कुछ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखिए, ये एक ऐसा सिंगल मोस्ट कंपोनेंट है जिसको सबसे बड़ा धचका मिला है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा एलिमिनेशन इस्तेमाल होता था, सबसे ज्यादा। आई टेल यू हाउ, जब भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आती थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो हमेशा गलत होती थी। जैसे आपको बोला जाएगा कि दिस इज ओनली प्रेजेंट हियर, ये ओनली जब हो गया ये एक्सट्रीम हो गया, या बोला जाएगा ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ऑल जब आएगा तो एक्सट्रीम हो गए। जब भी हम एक्सट्रीम वाली स्टेटमेंट देते थे साइंस एंड टेक में, हमेशा गलत होता था। और जैसे ही आपको वो पता चला ये एक्सट्रीम वाली स्टेटमेंट है, उसको एलिमिनेट करते थे, बाकी का ऑप्शन आपको निकलता था। लेकिन अब क्योंकि एलिमिनेशन खत्म हो गई, अब एक्सट्रीम स्टेटमेंट है भी तब भी आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज एलिमिनेशन इस्तेमाल ही नहीं हो सकता अब, ठीक है। दैट वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे क्वेश्चन था, दैट सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर भी सर्वाइव करते हैं, कुछ फ्रीजिंग पॉइंट के यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो सम वाला क्वेश्चन था, तो सम वाला तो ठीक था वो, पर एक स्टेटमेंट उसमें आप एलिमिनेट नहीं कर पाते। अनलेस यू डोंट नो ऑल द थ्री सब स्टेटमेंट्स, यू कुड नॉट हैव सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम साइंस एंड टेक में हुआ एलिमिनेशन को हटाने से। इसमें क्वेश्चन था मेटाजिनोमिक बायोटेक्नोलॉजी के, चार क्वेश्चन थे, बायोटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमैनिटीज वालों के लिए दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड हियर, जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से है, यू स्टडी फिजिक्स और केमिस्ट्री और नॉट, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट बायोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, ये ना, खासकर 12वीं की बायोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिजिक्स भी वो हार्डकोर फिजिक्स नहीं चाहिए, एस्ट्रोफिजिक्स विच इज रिलेटेड टू योर प्लैनेट्स एंड स्टार्स एंड कॉस्मॉस, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो फिजिक्स में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन पल्सर, वो आसान क्वेश्चन था पर था। तो एस्ट्रोफिजिक्स इंपॉर्टेंट है और बायोलॉजी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। जो हम जैसे डीएनए वीएनए पढ़ते हैं, डीएनए पे एक क्वेश्चन आया था, नैनोटेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली मेंस में लिखा हुआ है, प्रिलिम्स में नैनोटेक नहीं लिखा है। प्रिलिम्स में नैनोटेक पे कार्बन फाइबर पे क्वेश्चन था। उसके बाद यू हैड क्वेश्चन ऑन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम कि किस कंट्री के पास है, वो आसान था। बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल का क्वेश्चन था, वो भी आसान था। मोटा मोटा देखा जाए साइंस के लिए जो मुझे अब बेहतर सोर्स लगता है, दैट इज द हिंदू। द हिंदू का संडे का पोर्शन आता है साइंस का, दैट इज हाउ साइंस कैन हेल्प यू अलोंग विद योर एनसीईआरटीज। देखिए अब करना क्या, शॉर्ट में अब मुझे जो समझ आया, नोइंग व्हाट आई नो, ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल चीजों से और किताबों से यू कैन नॉट सॉल्व द पेपर नाउ। सबका एक ही एनालिसिस है पेपर को देखकर, वो है जिन लोगों ने अच्छा टाइम दिया है उनको आ जाता है, वो 80-85 के करीब पहुंच जाते हैं, ठीक है। वो कट ऑफ की, क्योंकि कट ऑफ भी लगभग 85 प्लस माइनस 2 होगा, 82 से 85 के अराउंड, 86 के अराउंड होगा, तो वो कट ऑफ तक पहुंच जाते हैं जिन्होंने वक्त देकर पढ़ा है। जल्दबाजी जो नए नए फ्रेशर्स हैं, पहले ही साल जिन्होंने अटेम्प्ट दिया, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगर कोई बोल रहा है कि ये आसान पेपर था और मैंने अच्छा किया, वो झूठ बोल रहा है। कोई भी नहीं कर पाता ये, 40 के ऊपर कोई नहीं जा पाता, कोई नहीं जा पाता 40 के ऊपर, बिकॉज 40 के ऊपर आप सिर्फ एलिमिनेशन से जाते हो, वो आपका एलिमिनेट हो गया पूरा, ठीक है। तो आपका मकसद अब ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये ट्रेडिशनल किताबों से अब सॉल्व नहीं होगा पेपर। आपको जो किताबें पढ़नी है वो तो पढ़नी ही है, अब नज़र दाएं बाई भी लगानी है। अनकन्वेंशनल सोर्सेज जो आज तक हम रेफर नहीं करते थे, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू रीड, जैसे मेंस के लिए नॉन फिक्शनल बुक्स, आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच डॉक्यूमेंट्रीज, जैसे आई वुड रिकमेंड यू कोई अच्छी सी साइंटिफिक कोई डॉक्यूमेंट्री, खासकर से एस्ट्रोफिजिक्स पे बहुत डॉक्यूमेंट्रीज बनती है, यू शुड नो अबाउट दैट। जैसे नील डिग्रेस टाइसन की कोई डॉक्यूमेंट्री है, डिस्कवरी पे आता है उसका, यू शुड नो अबाउट दैट, वो डॉक्यूमेंट्रीज देख लें।
आपको एनवायरनमेंट पे, स्पीशीज पे डॉक्यूमेंट्रीज देखनी चाहिए, कौन कौन सी स्पीशीज, बिकॉज अनलेस यू डोंट वॉच इट आपको इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा उसमें. आपको वहाँ अलग अलग अजीब अजीब नाम के स्पीशीज दिखेंगे जिसके साथ यू डोंट फील कनेक्टेड अनलेस यू सी इट. यू शुड वॉच दोज डॉक्यूमेंट्रीज, नेशनल ज्योग्राफी पे देखो या यूट्यूब पे देखो, जहाँ पर यू नो अबाउट एंट्स. देयर इज अ क्वेश्चन लाइक ऑन अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट लास्ट टू लास्ट ईयर, जिसमें हमने पूरे सारे के सारे अर्थ में 1.1 मिलियन स्पीशीज, 11 लाख स्पीशीज का जीनोम सीक्वेंसिंग करना है. एंड इट इज़ अ बिग बिग प्रोजेक्ट. बायोलॉजी की हिस्ट्री में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आज तक नहीं आया है, जिसमें योर मैपिंग द जीनोम ऑफ 1.1 मिलियन स्पीशीज. उसमें से देर वॉज दिस क्वेश्चन ऑन जीनोम एंट अलाइंस. एंट्स के ऊपर एक ग्लोबल एंट अलाइंस हुआ है जिसमें 200 एंट स्पीशीज का जीनोम सीक्वेंसिंग करना है. अब एंट्स के साथ यू शुड हैव अ यू शुड फील इंटरेस्टेड इन दैट. तो अनलेस यू डोंट वॉच दीज थिंग्स वीडियोज में, डॉक्यूमेंट्रीज में, तब तक इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा. एनवायरमेंट में स्पीशीज पर, ज्योग्राफी में वॉच इट, क्योंकि जो आपकी विजुअल मेमोरी है वो आपकी रीडिंग वाली से ज़्यादा देर तक टिकती है. तो जो भी आप पढ़ते हो उसको साथ में देखो. आप मैप देख रहे हो, मैप को आपने उल्टा जैसे किताब पे आपने देख लिया कि रिवर कहाँ से निकलता है कहाँ से नहीं निकलता, उसके बाद उसको विजुअली देखो ताकि आपको वो इनग्रेन हो जाए दिमाग में, उसे भूलेगा नहीं फिर. ठीक है, ये ज्योग्राफी के लिए. इकोनॉमी थोड़ा आसान था, तो फॉर्चुनेटली आसान था इकोनॉमी, वरना बहुत टाइम से परेशान कर रहा था. अब ठीक है, इकोनॉमी उसको अपनी जगह मिल गई. बाकी ठीक ही है. हिस्ट्री में 3-4 सवाल बहुत तगड़े थे. अब देखिए पॉलिटी वाला सर ले लेंगे अभी. आई हैव गॉट अ कंप्लेंट फ्रॉम दिस समवन इन द क्लास दैट आप लोगों के लिए हमने ग्रुप बनाया था, बट यू डोंट हैव इवन दिस मच लाइक एथिक्स या मोरालिटी. यू टेक द नंबर्स ऑफ गर्ल्स फ्रॉम द ग्रुप एंड देन यू कॉल देम. नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस, जिसको भी कॉल आया है यू कम टू अस, आप उसका नंबर हमें दो, हम उसको कॉल करेंगे. और विल नॉट थिंक ट्वाइस जब हम उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर लें, बट डोंट डू इट. थोड़ा एथिक्स रखो भाई, कोई बच्चे नहीं हैं आप. और ये उल्टा लड़कियों को भी बता रहा हूँ मैं, आप लोग भी ऐसी कोई हरकत नहीं करना, क्योंकि आज तो एक जेंडर इक्वालिटी है, कुछ भी हो सकता है. तो अच्छा, फाइनली घबराने की ज़रूरत नहीं है. ये सबके लिए मुश्किल था. बेहतरीन बात यह है ये सबके लिए मुश्किल था, सिर्फ हमारे लिए नहीं. जैसे एक लड़की, जैसे कल फजीना नाम है उसका, शी वाज़ कॉलिंग मी, प्रिपेयरिंग फॉर 4 ईयर्स, फ्रॉम 4 ईयर्स ही इज टचिंग 80 मार्क्स कट ऑफ बॉर्डर पे, बट शी वाज़ नॉट डेवेस्टेटेड बिकॉज वो सबके लिए मुश्किल था. इसी हमारे लिए मुश्किल, जब सबके लिए मुश्किल है तो चलेगा. ठीक है, कोई कुछ नहीं कर पाता इसमें, तो दैट्स फाइन, वो लेवल प्लेइंग फील्ड है. अगर हमारे लिए ही मुश्किल है, कोई दूसरा अच्छा कर रहा है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम. बट इट वॉज समथिंग दैट कुड नॉट हैव बीन अटेम्प्टेड बाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. तो मोटा मोटा इसमें यही है कि गिव इट टाइम. प्रिपरेशन को टाइम चाहिए, इसको वक्त चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा एनालिसिस चाहिए अलग अलग चीज़ों का, बियॉन्ड NCERTs, बियॉन्ड लक्ष्मीकांत. चीज़ों को विजुअलाइज करना, चीज़ों को इंटरनलाइज करना, कॉन्स्टिट्यूशन को इनग्रेन करना, उसको समझना, उसको पीना स्पॉन्ज की तरह. दैट इज़ हाउ एक डीप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है. ऊपर ऊपर सुपरफ्लस सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना, दैट बिकम्स डिफिकल्ट. समझने के लिए, बदलने के लिए, वो नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ने से इंसान की पर्सनैलिटी भी बदलती है, एग्जाम भी क्वालिफाई होता है. अब ये एक तो प्रीलिम्स तो अब जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मेंस भी बदलेगा. अब प्री का पैटर्न बदला, मेंस की तरीके बदलेंगे, मेंस का ओरिएंटेशन बदलेगा. और ज़्यादा फोकस, अब आप फुल फोकस रखिए कि आपकी अंदर की पर्सनालिटी कैसी है. क्योंकि मुझे एक ही चीज़ समझ आई, जब तक आपकी पर्सनालिटी दुरुस्त नहीं होगी आप एडमिनिस्ट्रेटिव मटीरियल नहीं हो. फिर वो मटीरियल होना वो दिख जाता है, वो शक्ल से दिख जाता है. जैसे जरा जितनी भी फैकल्टीज है, फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, सब के सब, एवरी वन, हम वी आर डैम श्योर कि भाई ये तो बनेगा.
बिकॉज वो दिखता ही वैसा है, वो पर्सनैलिटी उनकी सेम होती है लगभग। आप इम्पा जाओ, इम्पा में भी ट्रेनिंग चल रही है, केएस का जो बैच है, आपको लगभग सारे के सारे एक जैसे दिखेंगे। उनका तरीका, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी उनके चीज़ों को देखने की समझने की तरीका सेम होता है उनका। और जब तक आप अपने आप को उसको में ढालोगे नहीं, तब तक इट्स डिफ़िकल्ट। आप अभी भी वो कॉलेज वाले चीज़ में हो, आप कॉलेज वाली ज़िंदगी में हो, आप स्कूल वाली ज़िंदगी में हो, छुट्टियाँ चाहिए, वो चाहिए, ये मटीरियल नहीं है वो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मटीरियल इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, ये हो जाता है। जब नॉलेज मिलती है तो आप बदलने लगते हो। जैसे कोई दाढ़ी रखता है तो कैसे रखता है, जब वो अंदर से बदलने लगता है तो हो जाता है, उसको बाहर से फ़र्क दिखता है। जब अंदर से नहीं बदलोगे तो बाहर से फ़र्क नहीं दिखेगा। तो वो अंदर से कैसे बदलता है इंसान, जब आप नॉलेज गेन करते हो। लर्न एज मच एज यू कैन, एंड आई वुड रिकमेंड यू एंड कंबाइन दैट नॉलेज दैट यू हैव विद अवर ओन ट्रेडिशन। जैसे आप ये लिंक करोगे ना दोनों चीज़ें, आपका खुद का ट्रेडिशन, बचपन से जो हमारा अपना ट्रेडिशन है, और आप जो दुनिया की नॉलेज पढ़ रहे हो, इस कम्बाइंड द टू, आपको उधर ही वो चीज़ याद रहेगी, ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। और जो मेहनत इस वक्त आप कर रहे हो, ये इबादत बन जाएगी। जो 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 स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो दुनिया की काम को भी आखिरत की काम बना लेते हैं। दैट इज़ हाउ यू प्ले। आप तो कर ही रहो, दुनिया के लिए तो करना ही, दुनिया के लिए ही हकीकत में। पर इंटेंशन दुरुस्त होगा, मेहनत दुरुस्त होगी, दुनिया का काम इबादत में आ जाएगा। और जितनी मशक्कत यहाँ 16-16 घंटे करोगे, वो 16-16 घंटे की इबादत होगी। स्मार्ट पीपल अंडरस्टैंड दैट। जस्ट कंबाइन द टू, यू लर्न इट बाय हार्ट। इकॉनमी पढ़ रहे हो, अभी कनेक्शन नहीं बैठ रहा आपको, तो बैठाओ, दोनों चीज़ें पढ़ो, फाइनेंस यहाँ का कैसा है, हमारा कैसा है, देन कंबाइन इट, फिर याद रहेगा। हिस्ट्री ज़रूरी है, हिस्ट्री जैसे मुझे आर्ट एंड कल्चर जैसे पसंद नहीं, क्योंकि अब तो मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता, मैं बहुत इंटरेस्ट से पढ़ता कि ये स्तूपा क्या सिस्टम है, टेम्पल आर्किटेक्चर कैसा है, फिर अपने आर्किटेक्चर के साथ कंपेयर करता, डिफरेंसेस निकालता, सिमिलैरिटीज़ निकालता, फिर देखता सोर्स कहाँ से आया इसका। ऐसे ही याद होती है चीज़ें, कंबाइन इट। मैथमेटिक्स, जिसको मुश्किल लगता है मैथमेटिक्स को, मैथमेटिक्स की तरह लोगे तो मुश्किल लगेगा। मैथमेटिक्स अल्लाह के इंस्ट्रूमेंट की तरह लोगे तो मुश्किल नहीं लगेगा। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। अल्लाह ताला काम करता है मैथमेटिक्स से, ही इज़ द बिगेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ ऑल। सो सी इट लाइक दैट। आपको मैथमेटिक्स से नफरत नहीं, प्यार होने लगेगा। वो नंबर देख रहे हो आप, लेट्स वॉच दिस फिबोनाची सीक्वेंस, की फ्लावर कैसे निकलता है, वो एक मैथमेटिकल सीक्वेंस के हिसाब से निकलता है। बटरफ्लाइज की विंग्स कैसे निकलती है, उसकी भी एक सीक्वेंस होती है। आपकी शक्ल में एक गोल्डन रेशियो होता है, आपकी आंखें यहाँ पर सारा मैथमेटिकल है। आपके अंदर DNA पूरा मैथमेटिकल सीक्वेंस है, 300 करोड़ बेस पेयर्स का। एवरी जहाँ पर भी आप देखोगे, यू विल गेट मैथमेटिक्स, ठीक है। सो जस्ट वो कनेक्ट द डॉट्स, दोनों को कंबाइन करो, यू रिमेंबर। और लंबा खेल है, इसमें टाइम लगेगा, और आपके पास, यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। वालेकुम सलाम। यू आर यंग, ऑल ऑफ यू आर यंग। आपके पास 1-2 साल अच्छे से इसमें देना है। हमारे साथ यहाँ से निकलने के बाद, दिस इज द फर्स्ट एक्सपोजर यू आर गेटिंग। जर्नी तो तब आपकी शुरू होगी जब आप यहाँ से निकलोगे, फिर आपको अलग से पढ़ना है, लाइब्रेरी बैठोगे सुबह से शाम, वहाँ पर बैठोगे, तब आपको चीज़ें असल ग्रैस्प होंगी। अभी तो आप पहला एक्सपोजर ले लो कि सब्जेक्ट क्या है, फिर जब सारे पढ़ लोगे, फिर दिमाग में वो पैटर्न बनेगा एग्ज़ाम का। वो अगले साल होता है, पहले ही साल नहीं होता वो। पहले साल यू जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। देयर इज़ अ डूएबल एग्ज़ाम, मुश्किल नहीं है। मुश्किल अगर हो रहा है, सबके लिए हो रहा है, डूएबल है। केएस भी ऐसा ही अब आएगा, तो घबराना नहीं है उसमें। सबके लिए मुश्किल होगा, कट ऑफ सबके लिए नीचे आएगा। और फ़र्क सिर्फ ये है, क्या आप अपने बाजू वाले से ज़्यादा मेहनत कर रहे हो या कम मेहनत करो, इतनी ही फ़र्क है, बाकी सब। अच्छा, जिसको कॉल वगैरह आया है, जस्ट कम टू मीट मी, मैं अंदर ऑफिस में हूँ। वो नंबर लेकर, जिसका भी नंबर है, विल सी अबाउट दैट। थैंक यू। बंद करना या अभी रुको, सर आ रहे हैं।
फीवर देखा सबों ने? ये चल रहा है? आई होप कि पेपर देखा होगा सबों ने, मैंने भी देखा। मैं ऑनेस्टली जब भी पेपर टीचर देखता है तो टीचर कभी सोता नहीं है, जो भी टीचर होता है चाहे वो रीजनल लेवल पे पढ़ाता हो, लेकिन जो टीचर होगा और वो हमेशा पेपर को देख के ये सोचता है कि अगर मैंने ये पढ़ाया है क्या उतने में से आया कि नहीं आया है। जब उसमें से आता है ना तो इंसान एक टीचर को एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ मैंने ये पढ़ाया है। लेकिन जो टीचर होगा, जो मैंने कल पेपर देखा तो मैंने ये एनालाइज़ किया कि कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं पेपर में। आपने पहले से ही सुना होगा कि ज्योग्राफी में बहुत कम आते हैं, तो इस बार ज्योग्राफी में बहुत सारा आ गया। स्पोर्ट्स का कोई क्वेश्चन कभी आता ही नहीं था, इस बार स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आ गया, होता ही नहीं आता है। अब आपने सुना होगा कि अभी सर ने कहा होगा कि पॉलिटी के इतने आए हैं, ज्योग्राफी के इतने आए हैं, इकोनॉमी के इतने आएंगे, हिस्ट्री के इतने आए हैं। मोर और लेस दो तीन कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लाइक वी हैव हिस्ट्री, वी हैव पॉलिटी, वी हैव इकोनॉमी। ये तीन सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मैंने कल परसों एक लड़के को बोला था, उसने कहा कि सर मैं पॉलिटी अगर पढ़ूँ, मैं पॉलिटी के लिए इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आज हम पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं। सर अगर मैं पॉलिटी पढ़ूँ तो मैंने आपको शायद पहले दिन भी कहा था कि इंट्रोडक्टरी पार्ट से लेके यूनियन एग्जीक्यूटिव तक जो आपका सिलेबस है उसमें से प्री में बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं। आप आज का पेपर निकालो, परसों का, लास्ट ईयर का पेपर निकालो, आज से 4-5 साल पहले की पेपर निकालो, हर पेपर में इंट्रोडक्शन से पहला क्वेश्चन आया है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर। सिर्फ लैंग्वेज चेंज थी। पेपर देखा? आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन बिकॉज आई डोंट नो विच सीरीज आई हैड। एक क्वेश्चन आया था कि पर्पज ऑफ वॉट, लेकिन क्या पर्पज लिखा था? चीफ पर्पज लिखा था। वही लिखा था? ये कौन सी सीरीज है? डी। मेरे मोबाइल में पेपर है, मैं उससे पढ़ता हूं। अगर मैं पॉलिटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि फ्रॉम अगर आप 4-5 साल पीछे जाओगे, ज्योग्राफी में 4-5-6-7 क्वेश्चन मैगजीन आते थे, इंक्लूडिंग एटलस। जब मैं एटलस पढ़ा तब आप हंसते थे। आप देखो कि खुद ही मैंने उस दिन भी कहा था कि यूक्रेन पर इस बार, अगर याद होगा, एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड, याद? अच्छा, मैंने क्या बोला था कि यूक्रेन इस बार न्यूज़ में कंटिन्यू नहीं, तो सवाल आएगा। सवाल आया। अब आप कहोगे सर इतनी कंट्रीज़ के बारे में हमें कहाँ याद रहेगा? मैंने कहा कि जो न्यूज़ में कंटिन्यूसली रहती है उसके बारे में आपको सवाल आना ही आना है। मिश्कर रात कल मुझे एसएसबी वाला लड़का फ़ोन कर रहा है, उसको मैं क्या पढ़ाता हूँ? मतलब उसको मैं पढ़ाऊँ ये लेवल मत पढ़ाऊँ, उसको मैं ज्योग्राफी जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वही मैं पढ़ाऊँ? हो ही नहीं सकता है। वो मुझे कहते हैं कि सर हमें कुछ क्वेश्चन आ गए हैं आईएएस में, कुछ क्वेश्चन, लाइक मैं उनको कल पढ़ा रहा था ड्रेनेज, झेलम रिवर जो वोलर से जाती है, बिकॉज वोलर इज़ कॉल्ड डेल्टा ऑफ झेलम, ठीक है ना। मैं उनको पढ़ा रहा था गंगा रिवर सिस्टम, उसमें से जो गंडक रिवर है इट मेक्स बिकॉज ऑफ मीनरिंग इट मेक्स कन्वर लेक। आप देखो वही ऑप्शन आया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन नंबर, अगर पॉलिटी की बात करते हैं, लाइक वी हैव क्वेश्चंस हियर, क्वेश्चन नंबर 11, ये आपको आर्टिकल 21 में पढ़ना, ये भी नहीं आपने पढ़ा है, लेकिन अगर आप मेरे लास्ट ईयर की वीडियोस देखोगे उसमें मैंने ये पढ़ाया है। यहाँ लिखा है इन एसेंस विच व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन। हमारे पास दो चीज़ें हैं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक ही फ़र्क है, दैट्स कॉल्ड नेचुरल जस्टिस। पहला ऑप्शन वही है। व्हाट इज नेचुरल जस्टिस? कि अगर आपको पनिशमेंट दी जाएगी, आपको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी जब तक आपको नहीं सुनवाया जाएगा, विदाउट बींग हर्ड आपको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। सो एसेंस, इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस लॉ मीन, वहाँ पर सारा लिखा है, लेकिन बट यू हैव टू मार्क द अप्रोप्रिएट आंसर, द क्लोज वन आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है प्रिजन के बारे में। आप चाहे लक्ष्मीकांत पढ़ो, चाहे आप पॉलिटी कोई भी बुक पढ़ो, आपको ये वाले क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। प्रिजन के बारे में एक सवाल आया है। अब मैं अभी कुछ बंदों को मैं बाहर बोल रहा था, जो प्रिजन की जो रिफॉर्म्स के बारे में ये रिसेंटली न्यूज़ में आया। अब आपको क्या करना है, जो भी आप, ना तो आप इस सवाल को कॉन्स्ट में पढ़ते हो,
ना तो इस सवाल को आप गवर्नेंस में पढ़ते हो, ना तो आप किसी और टॉपिक में इसको पढ़ते हो, ये होता है सिर्फ लॉज लॉ वालों का ये टॉपिक होता है। लेकिन अब आप कैसे इन सवालों को हैंडल करोगे जब तक आप करंट अफेयर्स को साथ साथ नहीं पढ़ोगे। चाहे ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखते हो, करंट अफेयर से ही आता है। आप इकोनॉमी के क्वेश्चन निकालो, करंट अफेयर से ही आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखो, करंट अफेयर से ही आता है। आप पॉलिटी देखो, हर रोज़ मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ इस वक्त भी, क्या पता क्या पार्लियामेंट में हो रहा है, कौन सी बिल पास होगी शाम तक, हमें मत पता है। लेकिन हर रोज़ जो जिस सब्जेक्ट में हर रोज़ चेंज होते ना, उन सब्जेक्ट्स को आपको खास ख्याल रखना है। लाइक पॉलिटी, लाइक इकोनॉमी, लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लाइक इन्वायरमेंट। आप देखो कि कल पेपर था, उसमें IAS वालों ने भी दे दिया, उसमें IFS वालों ने भी दे दिया। IFS आई मीन से फॉरेस्ट सर्विस, नॉट फॉरेन, फॉरेस्ट। प्री दोनों का सेम होता है, एक ही पेपर होता है। अब पिछले इस बार कितने आए हैं इसमें EVS में, कितने आए हैं? 17। क्यों आते हैं ज़्यादा? ज्योग्राफी में 18, 13, 13, 14, 15 ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन क्यों आते हैं? इसमें इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि प्री दोनों का एक ही होता है। किन दोनों का? IAS वालों का भी और IFS वालों का भी होता है। और फिर मेंस अलग होता है, उनका मेंस अलग होता है क्योंकि उसके लिए एलिजिबल होते हैं सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स। IAS के लिए तो सारे होते हैं एलिजिबल। तो ऐसे क्वेश्चन को करना किसी भी किताब से आप सॉल्व नहीं कर सकते हो जब तक आप हर सब्जेक्ट को करंट अफेयर से डील नहीं करोगे। प्रेजेंट के बारे में सवाल आया, कॉन्स में आप कहाँ पढ़ते हो? कहीं नहीं पढ़ते हो, गवर्नेंस से पढ़ते हो, कहीं नहीं पढ़ते हैं आप। फिर क्या पढ़ते हो आप? ये कि आप हमेशा करंट अफेयर से ही पढ़ते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा ये है, पता नहीं ये कौन सी सीरीज़ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री। भाई उसी ने पढ़ाया था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लिमिटेड गवर्नमेंट। 19 में भी सवाल, 20 में भी सवाल आया है, 21 में भी सवाल आया है, 22 में नहीं आया, 23 में फिर से सवाल आया। आई डोंट नो कि ये सवाल क्यों बार बार पूछ रहे हैं, क्या मतलब है इनका UPSC का। 3 बार सिर्फ लैंग्वेज को चेंज किया है। आप कितना भी पढ़ोगे ना, इट हार्डली मैटर्स। मैंने आपको पहले दिन कहा था, जब तक आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करोगे ना, अगर ऐसा है तो वैसा क्यों नहीं हुआ, अगर ऐसा हो रहा तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। जब तक आपको ये काइंड ऑफ सोच डेवलप नहीं हो जाएगी, तब तक क्वेश्चन को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। आपको आपके पास कितनी भी नॉलेज होगी, क्वेश्चन सीधा आते हैं, ऑप्शन सीधा आते हैं। आप देखो ना क्या हुआ चेंज। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि लाइक पहले आपको आता था स्टेटमेंट, ऊपर क्वेश्चन होता था, कोई भी क्वेश्चन होता था, नीचे होते हैं ऑप्शंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। फिर क्या होता था? ऑनली फर्स्ट एंड सेकंड, ये था ऑनली सेकंड। आज मत ऑनली फर्स्ट एंड सेकंड था, आज था ऑनली वन एंड ऑनली टू, ऑनली थ्री, वन टू एंड थ्री। आज ये फर्स्ट सेकंड नहीं था, आज था ऑनली वन, ऑनली टू, ये क्या होता है, ऑनली थ्री। आजकल पता है लड़का मुझे क्या बोल रहा था शाम को, सर इसका आंसर ये है क्योंकि ऑनली टू इज द, जो ऑनली टू, जो टू वाला ऑप्शन था वो करेक्ट था, इसलिए मैंने ऑनली टू लिखा। मैंने कहा इसका आंसर ऑनली वन है। कि 3 स्टेटमेंट से कितने स्टेटमेंट सही हैं, ये कह रहा था वो, उसको बेचारे गलत हो गया था क्योंकि वो इसके इसने खाया था जो लास्ट ईयर तक आता था। सिर्फ समझने में उसको गलती हो गई, उसने सारे क्वेश्चन गलत किए जबकि उसको आता था। किस बात को लेके? सिर्फ समझने को लेके उसको गलत हो गया था। सारे क्वेश्चन लगभग आई वॉज श्योर कि हो जाएगा, मैं अपनी जगह श्योर था। जब मैंने उसको ये समझाया ना पहली बार, उसे रोया। क्यों रोया? ऑब्वियसली इतनी मेहनत, सालों से वो मेहनत कर रहा है, लड़का यहाँ का ही है, सालों से वो मेहनत कर रहा है, एक साल से नहीं, सालों से मेहनत कर रहा है। सिर्फ समझने में गड़बड़ हो गई। अब जो ही समझ में गड़बड़ हो गई, पेपर ही खराब हो गया। अरे अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो हमें समझ में आता है फर्स्ट एंड सेकेंड, जब ऑनली वन ऑनली टू आता है उसकी मीनिंग कुछ और होती है। अब वो रो रहा है कल से। अब मैंने उसको कहा कि आप मेरे पास आ जाए, बात करते हैं। अब वो क्या बात करेंगे हम, आप मैं उनसे क्या बात करूँगा, मैं उससे कुछ नहीं ना। अब मैं दिलासा दूंगा वो करे को, लेकिन जो उसने इतनी स्ट्रगल की इतने सालों से, इस बार वो मतलब तैयार था, अच्छे खासे तरीके तैयार था। इवन कि मैं कह रहा था कि वो मेन्स के लिए तैयार है, लेकिन जब प्री में ही फेल हो गया, आप मेन्स को क्या करना है? अब देखो कि जो लड़का फेल हो गया है प्री में ही, अब उसको एक साल फिर से वेट करना है? वेट मत करना है, उसको एक साल फिर पढ़ना है। अब वो 3 साल से अगर पढ़ रहा है बंदा, अब चौथा साल है, 4 साल के लिए बंदा पढ़ रहा है, उसकी हालत क्या हो जाएगी? सलम मासनीर कोरे ना है लड़का, हो जाएगा कि नहीं? होता है, होता है कि नहीं होता है? अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो, आप पैटर्न हर बार हर साल कुछ ना कुछ चेंज करते हैं। सिर्फ समझने में गलत होगी और सारे क्वेश्चन गलत हो गए, सारे क्वेश्चन गलत हो गए।
मुझे लगता है कि वो बंदा वो होगा जिसको सबसे ज़्यादा माइनस में होंगे, ऑब्वियसली आसना किन ना। लेकिन आप खुद देखो कि उस बेचारे को क्या हो गया, फिर मेरी बात देखो कि मैंने 6 अटेम्प्ट्स दिए हैं तो मुझे क्या हो गया होगा। नहीं, आप हंस रहे हैं, आप दे दो ना दूसरा अटेम्प्ट, फिर पता चलेगा आपको दूसरा अटेम्प्ट। आप पहला अटेम्प्ट कब देते हो? पहले आप 2 साल पढ़ते हो, फिर 2 साल के बाद भी आपको लगता है मैं तैयार नहीं हूँ, हर साल आपको लगेगा कि मैं तैयार नहीं हूँ, हर साल मैं कहता हूँ आपको लगेगा कि मैं तैयार नहीं हूँ, तैयार आप कभी नहीं होंगे, इसलिए एग्ज़ाम दे दो, अपनी एज ज़ाया मत करो, आगे शादी है जी। हाँ बोलो। अच्छा एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आई थिंक कल होगा, क्योंकि लिखा है इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वाज वाइडली बिलीव टू बी इनएक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। देखो भाई क्या है, ये लिखा है, मैंने आज क्या पढ़ाया आपको, आज क्या पढ़ाया, आर्टिकल 13 क्लास 1, इसका आंसर है आर्टिकल 13 क्लास 2 में। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 13 क्लास 1 में कि पार्ल ये जो लॉज, जो लॉज हैं, अगर कोई भी लॉ बनाएगा कौन, स्टेट लेजिस्लेचर, उस पर ज्यूडिशियल रिव्यू इस्तेमाल होता है कि अगर वो लॉ अगेंस्ट होगा एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये है ना। जो आर्टिकल 13 क्लास 2 है, इट टॉक्स अबाउट अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी पार्लियामेंट क्या करेगी, कोई भी लॉ चेंज करेगी लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं करेगी। ये किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन इंडिया केस 1951। ये कल आप पढ़ेंगे बाय द वे, लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ 1951 में ही, उसमें उसने क्या अमेंडमेंट किया, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 31। तो जो उसने मीनिंग बताई थी जुडिशरी ने, वो किस में चेंज हो गई, पहले फर्स्ट अमेंडमेंट में। ये आपको मुझे कल पढ़ाना है बाय द वे, ये अभी नहीं पढ़ना है। और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है दैट इज अंडर आर्टिकल 21। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप इंट्रोडक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है जो मैंने आपको पढ़ाया था, प्लस मैंने आपको ये भी कहा था कि आपको सिटीजनशिप या उससे पहले है 1 और 4 आर्टिकल है ना, यूनाइटेड टेरिटरीज, फिर मैंने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स कहा था, फिर मैंने कहा था आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी लिखा था मैंने बोर्ड पर, उसके बाद मैंने लिखा था यूनियन एग्जीक्यूटिव। मैंने कहा कि इतने टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ही हॉट टॉपिक्स हैं जिसमें प्री के सवाल आते आते हैं, आप देखो कि मैक्सिमम सवाल यहाँ से आए हैं कि नहीं आए हैं। इस साल का पेपर नहीं, पिछले साल का पेपर देखो, उससे पीछे जाओ, उससे पीछे जाओ, आपको इन, मैं नहीं कहता हूँ कि सारे क्वेश्चन यहाँ से निकलते, मैं कहता हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से निकलते। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ा है ना, सवाल आया है 20 में भी, 21 में भी, 22 में नहीं आया तो 23 में फिर से आया। अच्छा बहुत सारी क्वेश्चन है, लाइक कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज इन इंडिया, हाउ मेनी ऑफ द एबो आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इसमें सारे बॉडीज जो है ना वो स्टेचुटरी बॉडीज हैं। जो पहली बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये भी स्टेचुटरी बॉडी थी लेकिन इसको बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। पिछले साल का मेन्स क्वेश्चन, पिछले साल मेन्स क्वेश्चन, इस साल पीटी का क्वेश्चन। आपको इसका क्या मतलब है? मैंने आपको कल ही बताया था कि आप 10 स्टेचुटरी की याद करेंगे, उन्होंने रात 10 नॉन स्टेट की याद करेंगे बोला था, अगर आप टॉप 10 याद करेंगे क्या आप इसका आंसर नहीं दे सकते हो आज आराम से? अगर तो कुर्म होता है इला कुर्म होता है तेले मे एक अच्छा है समझ। प्लस मैंने कहा था आपको कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे उन्होंने में, वो तो आपको पेज ए पेज पढ़ना है। प्लस मैंने कहा था आपको उसके अलावा आपको जाने की जरूरत नहीं, वो सारा क्लास में होगा, वो सारा क्लास, इसलिए मैं कहता हूँ वो प्लस क्लास नोट्स जो आपके हैं उनको इकट्ठा पढ़ के एक नोट बना के और रिवाइज करके आप याद करो। लेकिन मैंने कहा था कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, सुचिंत बनाओ नहीं माच बनाओ। फिर लिखा इलेक्शन के बारे में, ये तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में ही है ना क्वेश्चन। प्रेसिडेंट पर 2 सवाल आए हैं इस बार, आए हैं प्रेसिडेंट पर 2 क्वेश्चन आए हैं, एक ही क्वेश्चन नंबर 16, मुझे ये पता नहीं ये कौन सा ये है, सीरीज़ है। इसमें लिखा है इफ़ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह, वो बिल विल वगैरह जो है वो सारा आपको पढ़ना है आगे। एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट जो आप इकोनॉमी में भी पढ़ते हो, आप में से कितने इकोनॉमी वाले हैं, जो इकोनॉमी पढ़ी है ना, यहाँ पर लिखा है
मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल पढ़ा होगा वहां से भी। आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दो, जो लास्ट ऑप्शन है, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा देर इज नो ज्वाइंट स्टिंग फॉर मनी बिल, सही गलत है? गलत है। फिर लिखा है कॉमा, बट ए ज्वाइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर फाइनेंशियल बिल, सही गलत है? आप मुझे बताओ। शाबाश, पहले मुझे बोलो मनी बिल क्या होती है, फाइनेंशियल बिल क्या होती है? मनी बिल होती है, फाइनेंशियल बिल होती है ना, दिस इज द एसेंशियल डिफरेंस भाई, समझ लेना भाई बात को। जो भी मनी बिल होती है, ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स, याद रखना, ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स, बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स, समझ आवा इंसान? लेकिन जब लोकसभा में फाइनेंशियल बिल होती है, याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो पॉइंट्स मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस करने आपके साथ जरूरी। लोकसभा जब फाइनेंस बिल क्या करती है, पास करने के बाद ये कहां जाती है, जब ये राज्यसभा के पास जाती है, इट बिकम्स ऑर्डिनरी बिल, समझो है वहां? जब फाइनेंशियल बिल पास होती है लोकसभा में, उसके बाद ही पास करके कहां जाती है, व्हेन इट रीच टू द राज्यसभा इट बिकम्स, मगर याद रखना, इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव द ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग जो है ना, ये होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेसिडेंट, वो करे या ना करें, वारा बुझो। सो ज्वाइंट सिटिंग के लिए इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेसिडेंट, नॉट नेसेसरी। ये प्रेसिडेंट को लगे करना है या ना लगेगा करना है, इसीलिए वहां पर जो देखो कीवर्ड इज नेसेसरी, नेसेसरी वहां पर लिखा है कि ये जरूरी करना है। अरे जरूरी नहीं करना है, ये प्रेसिडेंट के हाथ में, वो करे इजाजत दे या ना दे, वहां लिखा है, आप लक्ष्मीकांत में भी लिखा है, क्लियर हुआ कैसा? फिर और एक क्वेश्चन है, मुझे याद आया ऐसे ही रैंडमली एक क्वेश्चन है, आई डोंट नो द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन, ये कहाँ है डस्टर? क्या मनी बिल का तो पता ही है ना, उस पर ज्वाइंट सिटिंग है ही नहीं भाई, वो तो चेंज नहीं कर सकती है, सिर्फ रिकमेंडेशन करती है। कहाँ पर? मैं कहता हूँ फाइनेंशियल बिल जब जाती है राज्य, हेलो, फाइनेंशियल बिल जब राज्यसभा जाती है, इट बिकम्स ऑर्डिनरी बिल, इस पर ज्वाइंट सिटिंग करनी है, बट नॉट नेसेसरी, जब तक प्रेसिडेंट इजाजत नहीं देगा। अगर ये नेसेसरी होता, फिर प्रेसिडेंट की इजाजत की क्या वेट करना था, ठीक है ना? हाँ, हाँ कहता है ना, नहीं भाई आपने गलत समझा है उसको। राज्यसभा अगर उसको कहती है चेंज करो, लोकसभा नहीं मानती है, राज्यसभा फिर से कहती वो करो, लोकसभा नहीं मानती है, तो नेसेसरी नहीं है ज्वाइंट सिटिंग करना, फिर बिल ऐसे ही रहेगी जब तक प्रेसिडेंट आपको इजाजत ना देगा ज्वाइंट सिटिंग करने के लिए, नेसेसरी वर्ड वहां पर लिखा है। तो अच्छा गरीब सरी वारे, जो मैंने कहा, जो एलिमिनेट कर रहा हूं, उसके बाद आंसर करो। ये ऑनली टू का क्या मतलब है वो भी समझना। और एक क्वेश्चन आया था, वो आया था वैल्यू ऑफ द वोट्स कंपेयर था। मैं भी सुबह, मैंने कल शाम को मैं पेपर देखा था, वहां पर था एमपी वर्सेस केरला, यही था पुडुचेरी वर्सेस अरुणाचल प्रदेश। आप देखो, आई डोंट नो द क्वेश्चन, मुझे याद आया वहां पर क्या लिखा था कि वैल्यू किसका ज्यादा है, एमपी का वैल्यू ज्यादा है कि केरला का वैल्यू ज्यादा है, आप इसको कैसे निकालेंगे इसका आंसर? वैल्यू समझते हो, वैल्यू ऑफ व्हाट? वैल्यू ऑफ वोट्स। अगर आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास मैक्सिमम सीट्स हैं, मतलब अगर आपके पास ज्यादा सीट्स हैं, अगर आपके पास भाई याद रखना, अगर आपके पास सीट्स क्या हैं, जो वैल्यू होगा वो हमेशा कम होगा। इसका मतलब है सीट्स और वैल्यू ऑफ वोट्स को अगर आप रिलेशन करते हो, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हायर द सीट्स लोअर विल द वैल्यू। यूपी के ज्यादा सीट से कम सीट्स हैं, ज्यादा सीट्स हैं, वैल्यू क्या होगा फिर, कम होगा। फॉर एग्जाम्पल एमपी में वैल्यू ऑफ वोट जो इस वक्त है वो है अराउंड 131, कितना है,
केरला में जो वैल्यू ऑफ वोट्स है, इट इज 152 समवेयर, इज रेट 153, मान लो कि 152 ही है, मुझे बोलो वैल्यू कहां पर ज्यादा है वोट्स का, सीट्स कहां पर ज्यादा होंगे? या मैंने क्या कहा था अभी, सीट ज्यादा वैल्यू कम, यहां पर सीट्स ही कम है तो वैल्यू क्या होगा? समझ होगा? ऐसे आप इसको कर सकते हो. फॉर एग्जांपल इसके लिए फार्मूला भी है ना, आपने पढ़ा होगा ये. दिस इज द लास्ट पॉइंट मैं जा रहा हूं. हम कहते हैं कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ये निकालते हैं ना, डिवाइड बाय इलेक्टेड मेंबर्स या सीट्स, रादर यू कैन राइट सीट्स, सीट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिवाइड बाय 1000, ये करते हैं ना. सो अगर हम इसको हम हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं ना, अगर हम इसको यहाँ पर रखते हैं, इसको यहाँ पर रखते हैं, फिर ये क्या होता, फिर ये इन्वर्सली नहीं होता, फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, जितने ज़्यादा सीट्स उतनी ज़्यादा वैल्यू. लेकिन हम इसको उल्टे में करते हैं डिवाइड, इसीलिए ज़्यादा सीट्स वैल्यू, यूपी के ज़्यादा सीट्स से वैल्यू कम होगा वोट्स, कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर का सीट जो है नंबरिंग ऑफ सीट से वो कम है इसलिए वैल्यू ज़्यादा होगा. आई थिंक आई होप कि इस बुनियाद पर आप इस वाले क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो. अराउंड 14-15 सवाल आए हैं इस बार पॉलिटी में, आए कि नहीं आए हैं, पॉलिटी मतलब पॉलिटी प्लस गवर्नेंस, आई मीन से आप कल गवर्नेंस पढ़ रहे हो, गवर्नेंस को लेके आपको पढ़ना है पॉलिटी के साथ भी, जो आज पढ़ रहे हैं इनको मिला के आपको क्या करना है भाई, तैयारी करने, तब जाके पेपर में सोल्यूशन हो जाएगा. आई नो कि क्लास बहुत लंबी हुई है तो आप थक गए होंगे, तो मेरी तरफ से इतना ही था, लेकिन आप एक बार फिर से क्वेश्चंस को देखो, और जो क्वेश्चंस आप बुक से नहीं पढ़ते हो वो क्वेश्चंस क्यों आते हैं उसका रीज़न कहीं ना कहीं है. फॉर एग्जांपल ये किसका सवाल है, जरा मुझे बताओ, फ्लैग का क्वेश्चन आया था, ये क्यों सवाल, पॉलिटी का सवाल है, आप पॉलिटी में कहाँ पढ़ते हो, ये क्या मैं नहीं कह सकता हूँ, ये जीके का क्वेश्चन है, क्यों आया था सवाल, तो मैं वही नहीं हूँ, शाबाश, ये सवाल क्यों आया था है वही वो, फ्लैग पर क्वेश्चन आना चाहिए था लेकिन क्यों आया, मुझे बोलो इस हमने कौन सी रिपब्लिक बनाया इस साल 70 वंश नारायण पता की माँ, उसी में ही मोदी ने इसका चेंज करवाया, इसलिए क्वेश्चन आया था. चलो पूछू तक फॉरनर कुछ ओस आमस उसको पूछा, ये गो क्या समझ से इसमें सवाल आया है भाई, मैं आपको कह रहा हूँ जो ऐसे सवाल होते हैं उसका कहीं ना कहीं लिंक होता है करंट अफेयर्स के साथ, इसलिए सवाल आया है, ये समझ आया? बस कल हमारा मेंस का क्वेश्चन होगा तो वो हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और उसमें से प्री भी निकलेगा, प्री का जो आज का क्वेश्चन आया है. चलो थैंक यू वेरी मच.